अगर आपने इस साल का इंटरिम बजट सुना था तो उसके अंदर एक नंबर है 77,000 करोड़ का, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। उसका एक 70,000 करोड़ का जो बिजनेस है वो आपको मिलने वाला है जल मिशन के अंदर। वहाँ पे आपको ये देखना है कि इंडिया के अंदर वाटर स्केयरसिटी और सही वाटर, फ्रेश वाटर पीने के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है अगले 10 साल के टाइम पीरियड में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद बजट के अंदर अगर 70,000 करोड़ से ऊपर का एक बजट रखा है एक पूरी की पूरी कैटेगरी के अंदर, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किन कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। इसी थ्योरी पे मैंने एक कंपनी पकड़ी है जिसका नाम है वेल्सपॉन कॉरपोरेशन। कंपनी आज की डेट में इस पूरे सेगमेंट के अंदर पूरा का पूरा फोकस लेके बैठी हुई है, क्योंकि इनकी जो पाइप्स हैं वही यूज होती हैं पूरे वाटर बिजनेस के अंदर। आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का डोमेस्टिक लैंडस्केप के अंदर जहाँ पे इंडिया आप नोटिस कर रहे हैं वहाँ पे अगर पूरा का पूरा टारगेट आप चेक करें तो कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है। प्लस कंपनी कुछ टाइम पीरियड में आपको अनाउंसमेंट देती है अपने ऑर्डर वेन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। वहाँ पे उन्होंने एक दबदबा बनाया हुआ है अपना मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरेबिया की मार्केट के अंदर, जहाँ पे उनको कुछ कुछ टाइम पीरियड के अंदर अपनी अच्छी लेवल के ऑर्डर वैल्यूज मिलती रहती हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर नीश कैटेगरी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ कंपनीज आपको देखनी है और उनमें आपको ये देखना है कि फ्यूचर में कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है। वेल्सपॉन कॉरपोरेशन कंपनी ने इस बिजनेस के अंदर अपनी नीश कैटेगरी जहाँ पे डिफाइन करी हुई है वहीं ऐसे नीश कैटेगरी के प्लेयर्स के अंदर मुझे मजा आता है इन्वेस्टमेंट करके। क्यों? क्योंकि ये वही बिजनेसेस हैं जो कि एक फोकस कैटेगरी पे अपना रेवेन्यू साइज बढ़ाना चाहते हैं और वहाँ पे अपनी लीडरशिप पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। ऐसा करने से एक तो कंपनी का इंडिया की मार्केट के अंदर लीडरशिप पोजीशन बन गई, इंडिया की मार्केट का कस्टमर प्रोफाइल दिखा के आपने मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर भी एक बहुत बड़ी मार्केट बना ली और वहाँ के ऑर्डर विन्स आपने जीते। ये करने से एक तो आपका वाटर बिजनेस के अंदर भी प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है और प्लस आपका सऊदी मार्केट के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी आपकी ये चीज़ यूज़ होगी अलॉन्ग विद वाटर ट्रीटमेंट। ये कैटेगरी आपको इसलिए नोटिस करनी है क्योंकि इसका हर टाइम पीरियड के अंदर एक तो न्यू बिजनेस बनता है और प्लस पुरानी पाइप्स की रिप्लेसमेंट मार्केट भी बहुत बड़ी बन सकती है फ्यूचर के अंदर। ऐसी कंपनीज को पढ़ाई पे लगाइए और जब जब मार्केट के अंदर फॉल आए आपके पास ये कंपनियां लिखी होनी चाहिए एक पेपर पे, ताकि उस पेपर पे आप अपनी वॉचलिस्ट बनाएं और जब सही टाइम आए तो उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू।